ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुश आमदीद कहते हैं। अब जो सिलसिला है उसको आगे बढ़ाएंगे और आपको मजीद मालूम देने की कोशिश करेंगे। हमें नाजिम साहब ने यहाँ पे ज्वाइन किया है, नाजिम साहब लिटिल रोड के जो प्रेसिडेंट हैं और ताजी रहनुमा है। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। फयाज मलिक का साथ कब भी हमें रहेगा, फयाज मलिक साहब का आप क्या समझते हैं जो ई चलानिंग है, क्योंकि ताजिर रहनुमा जो माल रोड से मुंसलिक हैं उनको ट्रैफिक के हवाले से, पार्किंग के हवाले से, रॉन्ग डूइंग के हवाले से काफी परेशानी रहती है और उनका कारोबार भी मुतासिर होता है। ई चलानिंग आपको किस तरह से फायदा देगी? ई चलानिंग का इस तरह का फायदा है कि ये एक तो हादसात में कमी आएगी और हमारे जो जो एक्सीडेंट होते हैं ट्रैफिक, जो लोग अक्सर इशारे काट देते हैं बिला वजह ही काट देते हैं, उनमें काफ़ी कमी आएगी। ये बड़ा अच्छा इकदाम है, ये काफ़ी देर पहले होना चाहिए था, ये लेट हुआ है। तो कैमराज की मदद से चलान करना कितना सूदमंद साबित हो सकता है? ये इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा और हादसा की हादसा की भी कमी होगी और ये जो मामलात है ना हमारे ट्रैफिक के, इसमें भी बेहतरी आएगी, बेहतरी आएगी, पॉजिटिव लग रहा है इनको। यहाँ पर ईच रनिंग से ट्रैफिक कवानीन की जो वायलेशन है उस पे कंट्रोल होगा ना, वो इसके साथ साथ जो स्ट्रीट क्राइम है, रोड रॉबरी है ना, उसमें भी ये कैमराज जो है वो बड़े सूदमंद साबित हो रहे हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे इवेंट्स होते हैं जैसे मुहर्रम के हैं, ईद के हैं, रमज़ान के, जो हमारे बड़े इवेंट्स हैं उनमें भी ये कैमराज जो है ना बड़ी बड़े सूदमंद साबित हुए हैं। और अगर हम बात करें ना ई चलानिंग की, तो जैसे भी नाजम ने कहा कि ई चलानिंग की वजह से ट्रैफिक हादसात की शरह में कमी आ गई। अब अगर मैं मोटरसाइकिल के कान खींचूंगा ना तो मुझे पता होगा, रेस देंगे, रेस दूंगा मैं उसके कान खींचूंगा ना तो मुझे पता होगा कि भी कैमरे की आंख देख रही है। और 1500 का चलान जब मेरे घर आएगा ना तो मैं अगली मर्तबा 1101 मर्तबा सोचूंगा कि मैंने वायलेशन। जो लाहौर में मंचलों की मौजूदगी है वो भी काफी हमें देखते हैं कि वायलेशन करते हैं, खसूसन बकरा ईद के मौके पर, 14 अगस्त के मौके पर, हर वीकेंड पे जो व्हीलिंग वन व्हीलिंग होती है, ओवर स्पीडिंग होती है, उनको भी जरा सबक सीखने को मिलेगा। अच्छा, उनके लिए भी एक बड़ी अहम इतला है, सबसे अहम इतला ये है कि शहर के 90 मकामात जो हैं वहाँ पर ये कैमराज बकायदा तौर पर ऑपरेशनल हो गए हैं, जिसमें केनाल रोड ठोकर न्याज बेग से लेकर हरबंसपुरे तक जहाँ जहाँ पर भी कट्स हैं वहाँ वहाँ पर कैमराज जो हैं वहाँ नस्ब हैं। इसी तरह माल रोड PMG चौक से लेकर फोर्ट्रेस पुल तक वहाँ पर भी कैमराज नस्ब हैं। जे रोड भी मैं बता दूं, करतबा चौक से लेकर सदीक ट्रेड सेंटर, सदीक ट्रेड सेंटर से लेकर लिबर्टी राउंड अबाउट, लिबर्टी राउंड अबाउट से कलमा चौक, और कलमा चौक से अगर हम जाएं उधर गार्डर टाउन, गार्डर टाउन से हम आगे किनार रोड से अगर अटैच हो तो वहाँ पर भी कैमराज। साथ ही साथ जो हमारे भी नाजिन है वो साथ 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 देख रहे हैं कि जो सेफ सिटी का अंदर का माहौल है वो कैसा है और अंदर किस तरह से मॉनिटरिंग की जाती है। फैज मलिक साहब दोबारा आपकी जानिब आऊंगी, लेकिन एक सवाल नाजिन साहब से पूछना चाहती हूँ। नाजिन साहब, हम देखते हैं कि अभी जो मैंने सवाल इनसे पूछा कि जिस तरह से मंचले और जिस तरह से हम देखते हैं कि छोटी उम्र के ड्राइवर्स, ये बड़े मसले हैं अभी हमारी सोसाइटी में, और हमने ये जो फॉर्मेशन और ये जो सिस्टम अडॉप्ट किया है ये डेवलप्ड कंट्रीज से, जो तरक्की याफ्ता ममालिक है वहाँ से, अभी आते आते और राइज होते होते देर लगेगी। हमने अभी ड्राइवर से पूछा ई चालान क्या है, दे नो डोंट नो, उनको नहीं मालूम कि ई चालान क्या है। आपको नहीं लगता कि अभी आगाही की कमी है? आगाही मुहिम होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, आगाही मुहिम करेंगे तो सब लोगों को पता चलेगा ना। जैसे ये हेलमेट वाला मसला चल रहा है, इस पे भी आगाही मुहिम नहीं की इन्होंने, लोगों को एक मंथ का टाइम देते हैं, उनमें अनवेयर साथी उनको पता चलता है कि हमें को टाइम मिला है। ये मार्केट में 500 का हेलमेट 1500 को मिल रहा है, थोड़ी सी जी ये तब्दीली आनी चाहिए, इनको टाइम मिलना चाहिए, बेहतरी आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब फयाज मलिक साहब हमें ये बताइए कि जो शुमाली लाहौर रह गया है, कैमराज वहाँ पे नहीं नस्ब किए गए हैं, ये प्रोजेक्ट एक्सपैंड कब तक होने वाला है, क्या क्या इसके अंदर अब मुस्तकबिल के लाए अमल अपनाएगी सेफ सिटी अथॉरिटी और पंजाब हुकूमत? अच्छा, इस पे मेरी ना सेफ सिटी अथॉरिटी से बात हुई थी, उनका कहना था कि जिस तरह हमने लाहौर के अहम मकामात को कैमराज की नज़र में ले लिया है, वो वहाँ पर हमने मॉनिटरिंग शुरू कर दी है, उसी तरह शिमाली लाहौर के जो कुछ इलाके रह गए वहाँ पर डूब कैमरे तो लगे हुए हैं, छोटे कैमरे, डूब कैमरा मतलब जदीद कैमरे जो इनके एक प्याले की शक्ल में जो कैमरा है, हाँ जी, ठीक है, हुए हैं। मगर ये जो ईच लैनिंग वाला जो सिस्टम है ना, अभी शिमाली लाहौर की तरफ इनका मूव नहीं है, सिर्फ 9 लाख। कैमरामैन से मैं गुजारिश करूंगी, अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने लोग हैं जो कि अपने सिग्नल से, उनका अगर 100 मीटर अवे है सिग्नल और 100 मीटर आगे आके ये तमाम मोटरसाइकिल्स, रिक्शास और इवन कार्स यहाँ पे रुकी हैं। ये सूरत हाल है अभी 100 मीटर अवे फ्रॉम द सिग्नल।
अभी इनको टाइम लगेगा, इनको शऊर जो है ना, जब 2 से 3 मरतबा चिट्टे इनके घर जाएंगी ना, तो फिर ये सब के सब लाइन में भी होंगे, लेन में भी होंगे, हेलमेट में भी होंगे और बेल्ट में भी होंगे और मोबाइल से मुबर्रा होंगे। अभी ये इजी ले रहे हैं सारे मामले को, शायद ये समझ रहे हैं कि ये वक्ती मुहिम है जो अदालत आलिया के हुक्म से चलाई जा रही है, तो वक्त गुजरने के साथ साथ ये ठंडी हो जाएगी। तो नहीं देख रहे हैं, आपने अदालत मौजिज अदालत की बात की है, हम ये देख रहे हैं कि तमाम तर इदारे और तमाम तर जो रियासती इदारे हैं वो फॉर्मेशन में आए हैं, एक्टिव हुए हैं, चाहे उसमें मौजिज अदालत हो, चाहे उसमें ज़िलाई इंतजामिया हो, चाहे उसमें बल्दियात की इंतजामिया हो, चाहे उसमें सेफ सिटी अथॉरिटी हो, अब आ रहे हैं सब एक अम्ब्रेला के अंडर आ रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखें ये बड़ी खुशाइन बात है कि अदालत ने इन चीज़ों का नोटिस लिया। ये वो मसले हैं, ये वो प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमने कभी इन पे बात करना मुनासिब नहीं समझा, कभी हमने इन इश्यूज पे जो है आवाम को बताना जो है वो मुनासिब नहीं समझा, मगर जैसे ही अदालत आलिया ने इन छोटे छोटे इश्यूज पे नोटिस लिया तो ये बड़े हो गए। जैसा कि अभी हम माल रोड पे खड़े हैं और तमाम जो ओल्ड बिल्डिंग्स हैं बहुत खूबसूरत लग रही हैं, लाइटिंग बहुत जबरदस्त है, हम देख रहे हैं तमाम जो ओल्ड बिल्डिंग्स हैं उसके ऊपर यूनिफॉर्मिटी है और एक रंग में रंगी है ये इमारत। देखिए मदिया, मैं आपको बताऊं, मैं तो अदालत आलिया का मशकूर हूँ, फैन भी हो चुके हैं, फैन हूँ। अब मुझे बताएं कि लाहौर में सालाना कत्ल की जो शरह है ना वो 400 के राउंड अबाउट है, इससे ज्यादा नहीं है, मगर आप मुझसे पूछें कि फयाज लाहौर में सालाना ट्रैफिक हादसात की शरह क्या है तो मैं आपको बताऊंगा 800, 900, 1000। और लाहौर वो शहर है जहां पर रोजाना 250 से 300 ट्रैफिक हादसात होते हैं मदिया, 3 से 4 अफराद बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी तादाद है मौत की वादियों में उतर जाते हैं। शऊर और आगाही अपनी जगह ठहरी, अब जिस तरह ट्रैफिक पुलिस परफॉर्म कर रही है, जिस तरह सेफ सिटी अथॉरिटी मैदान अमल में आई है, मैं समझता हूँ अगर ये साबित कदमी के साथ 2 माह, मैं ज्यादा टाइम नहीं कहता, 2 माह तक ये मुहिम चलती रही तो ये लाहौरिये आदि हो जाएंगे, ये लाहौरिये हेलमेट पहनने के भी आदि हो जाएंगे और लाइन और लेन ये किसी भी महजब मुल्क की जो है ना ये निशानी होती, कहते हैं कि किसी मुल्क के का तरबियत और तमद्दन जो है उसको चेक करना हो तो वहाँ की ट्रैफिक के निजाम को देखें। मुतादित मरबा मुनाजिन हमने प्रोग्राम किए और हमने ऐसे इश्यूज जो हैं वो रेस किए जिस तरह जिनका किसी के ऊपर कभी ध्यान नहीं गया, जैसे कि एक छोटी सी मिसाल है पेडेस्ट्रियन राइट्स, हमने कहा कि तमाम तर जो हम देखते हैं सिग्नल्स के ऊपर ट्रैफिक खड़ी होती है वो पेडेस्ट्रियन राइट्स की वॉयलेशन करती है, अगर किसी ने पैदल चलना है तो उनको ये मालूम नहीं है कि हमने कहाँ चलना है, क्योंकि ऑलरेडी जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है वो ऑक्यूपाइड है, ऑलरेडी जो फुटपाथ है वो ऑक्यूपाइड है। अगर मैं कैमरा मैन से गुजारिश करूँ तो देखिएगा ये फुटपाथ की जगह है और तमाम गाड़ियाँ ताहद निगाह जो हैं वो फुटपाथ पे खड़ी हैं और ये शऊर की कमी है, इसको अपने अभी तब्दील करना है। कोई बात शऊर की कमी नहीं है, शऊर है, ला कानूनियत, मुझे पता है ना कि मैंने गाड़ी लॉक करनी है, उसकी हैंड ब्रेक खींचनी है, डबल लॉक लगाना भाई चोरी ना हो जाए, तो फिर शऊर तो है ना मदिया, ये ना कि ये कहें ला कानूनियत की है, ये कहें कि हमें शौक है कानून की खिलाफ वर्जी करने का, ये शौक, ये कहें कि हमें शौक है खुद को मनवाने का कि हाँ मैं। अब हम अगली लोकेशन पे चलते हैं और वहाँ पे जाके देखते हैं कि सूरत हाल क्या है।